लॉकडाउन के बाद मैं बॉम्बे आने की तैयारी में था, तो सरगुन मैम का टेक्स्ट आया उड़ारियाँ के लिए। उड़ारियाँ के बाद मेरा बॉम्बे आके मेन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले तो मैं पंजाब में काम कर रहा था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था बेसिकली, तो सबसे पहले मैंने सबको दिखाया कि आ देखो, मतलब पंजाब में, कि हाँ सरगुन मैम का मैसेज आया थोड़े भरा नूं। तो सरगुन मैम तो सुपरस्टार है पंजाब की, तो सब शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया। फिर मैंने जब वो गई तब मैंने बोला मैम 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 एक वन पिक्चर, क्योंकि मैंने जब मैं कहानी घर घर की देखता था ना, तो आपका एंड में था धड़न धड़न धड़न, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी यार मैं इस प्रोडक्शन हाउस में कभी 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 ना कभी काम करूंगा। अभिषेक जी, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। अभिषेक जी, हमने आपकी जर्नी देखी है, उडारिया देन बेकाबू, काफी अप डाउन्स रहे, आपने अच्छे शोज किए हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई है? मेरी जर्नी शुरू हुई थी, एक जूनियर आर्टिस्ट थे मैं, स्कूल से बंक करके पंजाबी जो सॉन्ग्स होते थे उसमें, जो पीछे काम करते हैं उसमें जाता था। और धीरे धीरे फिर टिकटॉक आया, टिकटॉक ने मेरी थोड़ी मेरा अर्निंग सोर्स में काम किया। फिर मैं लॉकडाउन के बाद मैं बॉम्बे आने की तैयारी में था, तो सरगुन मैम का टेक्स्ट आया उड़ारियाँ के लिए, तो ऐसे उड़ारियाँ मिला। फिर यहाँ आते मेरे को एकता मैम का टेक्स्ट आया बेकाबू के लिए, बेकाबू मिला। तो अच्छी रही हैं चीज़ें, अभी तक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है वो तो, अब क्या ही इतनी सारी चीज़ें बतानी, बट यहाँ तक पहुँच गया यार, भगवान की दया है, बस खुश रहता हूँ मैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। उडारिया शो, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है? नहीं मैं सच बताऊँ तो उड़ारियाँ के बाद मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। उड़ारियाँ के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे मैं साइड लगूँ, कि क्योंकि उड़ारे इतना बड़ा शो था, इतना बड़ा हिट शो था, हमारी पहचान बन चुकी थी, तो वेट उसकी वेट में मेरे को, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा प्रोडक्शन हाउस, फिर बालाजी प्रोडक्शन ऑब्वियस सबसे बड़ा, उन्होंने जब अप्रोच किया तो फिर मेरे को लगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो उड़ारियाँ के बाद मेरा बॉम्बे आके मेन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले तो मैं पंजाब में काम कर रहा था, तो पंजाब से बॉम्बे आना, फिर से सबके साथ लिंक बनाने, वो बहुत मुश्किल थे, पर ठीक है हो गया, भगवान चाह रहा है आगे बढ़ना है मेरे को, तो बढ़ रहे हैं। ओके, उडारिया शो की अगर हम बात करें तो शो में हमने देखा आपके साथ प्रियंका, अंकित और ईशा सब लोग थे, तो कैसा माहौल होता था सेट पे, और अब कितना मिस कर रहे हैं आप इस शो को? मिस तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मिल लेते हैं, कि अंकित भाई जब भी बॉम्बे आते हैं मैं मिलता हूँ उनसे, उनको मैं पिक करने जाता हूँ, एयरपोर्ट छोड़ने जाता हूँ ज़्यादातर। और तेजो जी, प्रियंका, वो मेरे घर के बिल्कुल पास रहती हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं वहाँ भी चला जाता हूँ, कभी भी चला जाता हूँ, शायद इंटरव्यू के बाद वहीं जाऊँ मैं, तो सब क्लोज हैं मेरे जो भी हैं। और ईशा तो अभी उधर ही थी चंडीगढ़, अभी बॉम्बे है शायद, तो सबके साथ मेल जोल तो हो जाता है यार, इतना मैं मिस नहीं करता, पहले बहुत मिस करता था जब नया नया एग्जिट हुआ था, अब तो यूज़ टू हो गए हैं, अच्छा लगता है अभी भी सबसे बात करके। उड़ारिया शो में लीप आया है, लेकिन जो नई कास्ट आई है कहीं ना कहीं फैंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, टीआरपी देखी जाए तो गिर गई है काफी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने नहीं देखा है थर्ड जो वो सीज़न है जो लीप लिया है, सेकंड मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया था, बट मैं थर्ड बिल्कुल भी नहीं देख पाया हूँ। तो नहीं, वो हमारे हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि बहुत टीआरपी लो थी, फिर हमने एकदम से बूस्ट पकड़ा, तो सरगुन मैम कुछ ऐसा कर देंगी कि वो एकदम से बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि सरगुन मैम बहुत क्रिएटिव हैं, उनको पता ऑडियंस को क्या चाहिए, तो कर ही देंगी, उड़ारिया फ्लॉप नहीं होने वाला, वो हिट ही जाएगा। सरगुन मैम की अगर हम बात करें तो जब उनका कॉल आपको आया था और आपको शो ऑफर हुआ था, व्हाट वाज योर फैमिली मेंबर्स रिएक्शन, और वो उनसे जब आप मिले तब आप कैसे, मतलब रिएक्शन क्या था आपका? तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था बेसिकली, तो सबसे पहले मैंने सबको दिखाया कि आ देखो, मतलब पंजाब में, कि सरगुन मैम का मैसेज आया थोड़े भरा नूं, तो सरगुन मैम तो सुपरस्टार है पंजाब की, तो सब शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने रिप्लाई किया, फिर फ़ोन पे बात हुई कि हम एक शो बना रहे हैं उड़ारियाँ ऐसे करके, तो ऑडिशन देगा, मैंने कहा ठीक है। स्क्रिप्ट आई मेरे पास, मैंने 7 दिन रिहर्सल करी, एक्टिंग तो आती नहीं थी, कॉलेज में थिएटर किया हुआ था थोड़ा बहुत, तो रिहर्सल करके ऑडिशन दिया, हो गई सिलेक्शन। जब हम नरेशन पे मिले, सरगुन मैम आई, बड़ी डिसेंट सी, स्वीट सी, है ना, सिंपल बिल्कुल, ऐसे कुछ नहीं, आके मेरे को मिली, अच्छा ये है हमारा हैंडसम सा अमरीक, मेरे को बड़ा, मतलब वो वर्ड अभी भी याद है, उन्होंने हैंडसम सा अमरीक बोला था, मैंने कहा यार सरगुन मैम मेरे को ऐसा बोल रही हैं, तो मैंने घर पे आके बताया, मैंने कहा कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी सिंपल सी हैं, तो बहुत प्यारे लोग हैं, रवि सर इतने प्यारे हैं, मतलब मैंने उड़ारियाँ में इतनी सारी गलतियाँ करी हैं ना, और अभी भी वो मेरे को इतना प्यार करते हैं, मतलब मैं तो शुक्र गुजार हूँ उन दोनों का कि उन्होंने मेरे को कास्ट किया, और मेरे ड्रीम्स धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, और अच्छा लग रहा है सब कुछ।
बेकाबू की अगर हम बात करें तो एकता कपूर जी से जब आप मिले थे, व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो मैं ना बड़ा फन लविंग सा बंदा हूँ, है ना, और जैसा मैं हूँ मैं वैसे मैं पोर्ट्रेट, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं पोर्ट्रेट नहीं, मैं इंग्लिश आती भी होगी मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं डरता हूँ. तो मैं गया नरेशन, पहले तो जब एकता मैम आई ना सब खड़े हो गए, मैंने कहा भाई और आ कितना खतरनाक है. मैं बैठ गया भाई, वो मेरी तरफ ही ना कंटिन्यूसली देखी जाए और मैं ऐसे सिंसियर होके बैठा हूँ, जी जी हाँ. और उन्होंने पता क्या बोला, मैं अभी बताता हूँ. उन्होंने बोला आर यू गाइस कंफर्टेबल इन इंग्लिश? अब मैं इतनी भीड़ में क्या बोलूँ, नहीं मैम मेरे को तो नहीं आती. उन्होंने इंग्लिश में बहुत चीज़ें बोली, है ना, थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आई, जो जो समझ नहीं आई ना उसमें पूछा यू अंडरस्टैंड? यस यस मैम यस. समझ कुछ नहीं आ रहा था मेरे को, आधी चीज़ें तो मेरे ऊपर से ही निकल गई इंग्लिश में जो उन्होंने फास्ट फास्ट बोला. तो फिर मैंने जब वो गई तब मैंने बोला मैम 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 एक वन पिक्चर, क्योंकि मैंने जब मैं कहानी घर घर की देखता था ना तो आपका एंड में था धड़न धड़न धड़न, तो मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी यार मैं इस प्रोडक्शन हाउस में कभी 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 ना कभी काम करूँगा, मैं देखना मैं भी सीरियल्स में आऊँगा, आज देखो मैं उनकी मतलब ऑनर के साथ खड़ा हूँ फोटो. कहते हैं हाँ आ जा. तो बड़े स्वीटली उन्होंने मेरे को समझाया कि आदि का कैरेक्टर ऐसे है, यू हैव टू वॉक लाइक दिस, तेरे को ऐसा बनना है, ऐसा ऐसे बात करनी है, ऐसा एटीट्यूड रखना है. तो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, एक ही बार मिला उनसे. ओके. खबरें ये आ रही थी कि ईशा और शालिन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बहुत जगह ये चीज़ आई है, आप इससे ईशा और शालिन? अरे नहीं. अरे वो बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ऐसा. अरे यार दोस्तों को तो दोस्त रहने, तो अंकित प्रियंका को भी बना दिया, बताओ वो दोस्त थे हम लोग, शो में साथ काम करते हैं वो दोस्ती हो जाती है, तो क्लोज बॉन्ड था उनका भी. ओके. आप लोग लोनावला ट्रिप पे भी गए थे, व्लॉग भी डाला था आपने, तो कितना एंजॉय किया था? बहुत एंजॉय किया था. और मैंने ही वो ट्रिप बनाया था, मैंने कोई नहीं जाता था, तो मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने कहा कल सुबह 4 बजे शालिन भाई के घर सब मिलना, सीधी सी बात है. तो शालिन भाई ने बोल दिया हाँ, तो सब पहुँच गए और हम निकल गए. बहुत इंजॉय किया. शालिन भाई ने 8 घंटे ड्राइव करी. मैंने कहा चलो जी ड्राइवर जी चलो इंजॉय करते हैं. तो बहुत इंजॉय किया हमने यार, वो ट्रिप मेमोरेबल सा हो गया, मेरे इतने व्यूज आ गए, पैसे बहुत छापे मैंने यूट्यूब से. तो अभी मुलाकात होती है स्टार कास्ट से बेकाबू के? बात होती है, मिल नहीं पाया हूँ मैं अभी, क्योंकि ईशा आई थिंक भोपाल में थी और शालिन भाई भी कहीं थे, तो अभी मिल नहीं पाया हूँ. मिलना है यार मेरे को शालिन भाई, ईशा, मोनालिसा जी से, सबसे मेरे को मिलना है. मैं अपने 2 भाइयों से तो मिलता हूँ, वीरल और रुशल से काफ़ी बार मिल चुके हम, बट शालिन भाई और ईशा से नहीं मिल पाया हूँ. शालिन भाई से फ़ोन पे बात होती रहती है रोज़, ऑलमोस्ट 3-4 दिन में तो हो जाती है. ईशा से भी मेरी इंस्टाग्राम या उस पर बात हो जाती है, बट हम मिलने का प्लान करेंगे होपफुली जल्दी. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.